हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी गुड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपिस ऑफ प्रो। यू कम फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, गेट नोटिफिकेशन, लाइक शेयर कमेंट एंड वॉच फुल वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हमारा एनाकोंडा नेविगेटर है, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और पाइथन क्या होता है, मैंने आई बटन में लिंक दिया, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक है, हम इसको लॉन्च करेंगे। तो हमारा जुपिटर नोटबुक है, ठीक है। तो नोटबुक में हमारे पाइथन ऑपरेटर्स है। पाइथन ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, दो वेरिएबल या दो वैल्यू के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, आइडेंटिफाई ऑपरेटर होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। जैसे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गए, सपोज दैट हमें 4+5 हमें करना है तो कितना आएगा हमारा, ये 9 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ये दो हमारे वैल्यू हो गई। प्लस ऑपरेटर के थ्रू हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटर्स कहलाता है। अब सपोज दैट हमारा वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी है, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो मैंने आई बटन में लिंक दिया, पांच को इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि ए इज इक्वल टू 10 हो गया, ए में हमने 10 असाइन किया और बी इज इक्वल टू हमने 20 असाइन किया, इसको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए प्लस बी। तो हमारा क्या हो गया, ये इसका आंसर आएगा 13 आएगा, ठीक है। तो हम किसी भी दो वेरिएबल में कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारा प्लस ऑपरेटर हो गया, अब ऐसे ही हम इसको माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम कैसे करेंगे, ए माइनस बी हो गया, तो ये हमारा माइनस ऑपरेटर ऐसे यूज होता है। ऐसे ही हमारा इसका मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है, हमारा मल्टीप्लाई बाय बी, तो हमारा क्या आएगा आंसर, हमारा 200 हो जाएगा। ऐसे हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारा ये डिवीजन हो जाएगा, 0.5 हो गया। मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हमारा क्या आएगा, इसका 10 होगा। फ्लोर ऑपरेटर हमें यूज करना हो तो ए डबल स्लैश हो गया, बी हो गया, तो हमारा ये फ्लोर हो गया। इसमें राउंड ऑफ करके हमें वैल्यू उसमें आती है, तो हमारे क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। ऐसे हमारे जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, जैसे कि हमने किसी भी चीज में, जैसे कि ए इज इक्वल टू 5, ए में हमने 5 वैल्यू असाइन करी, तो हमारा क्या होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ए में हमने 5 वैल्यू असाइन करी, इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सिंपल सा ये हो गया। और जैसे कि हमें ए प्लस इज इक्वल टू 5 करना है, फिर उसके बाद हम प्रिंट करते हैं ए की वैल्यू को, तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर 10 होगा। और सपोज दैट हमें जैसे कि इसमें 10 कर देते हैं तो हमारा क्या आंसर होगा, इसमें इसका 15 होगा। और सपोज दैट हमें माइनस करना है असाइनमेंट ऑपरेटर, माइनस इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, -5 होगा। ऐसे ही हम इसमें इंटू ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं तो हमारा इंटू का ही आ गया। ऐसे ही हम डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा डिवीजन हो गया। तो इस तरह हमारे क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे यूज होते हैं। किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू हमें असाइन करनी हो तो हमारा ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं, जैसे कि ए इज इक्वल टू 10 हो गया, बी इक्वल टू 20 हो गया। अब हमने क्या किया, जैसे कि दोनों के बीच में जैसे कि कंपेरिजन कराया दो वैल्यू के बीच में, जैसे कि प्रिंट ए इक्वल टू डबल इक्वल टू वी, तो ये मतलब दोनों वैल्यू बराबर है तो हमें क्या देगा, ये फॉल्स देगा, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू है तो हमें कौन सी वैल्यू देगा, हमें ये ट्रू वैल्यू देगा। ऐसे ही हमारा अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू है बी से तो हमें क्या वैल्यू आएगी, इसमें फॉल्स आएगी। ऐसे ही अगर हमारा ए लेस देन इक्वल टू है तो हमें क्या वैल्यू आएगी, हमारी ट्रू आएगी। तो हमारा क्या होता है, कंपेरिजन ऑपरेटर हो गया। इस तरह हम कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। लॉजिकल हमारे जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर हमारे होगा, जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, तो जैसे कि ए इज इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 हो गया, प्रिंट कर रहे हैं हम ए एंड बी, तो हमारा क्या वैल्यू आएगी, इसमें 20 हो गए। दोनों के बीच में हमारा एंड ऑपरेशन, हमारा ऑपरेशन क्या हुआ, परफॉर्म हुआ है। सपोज दैट हम इसमें और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा, इसमें 10 होगा। ऐसे ही नॉट करते हैं, x इज इक्वल टू 10 है हमारा, तो प्रिंट नॉट, तो x ग्रेटर देन 3, यस ग्रेटर देन 3 है, एंड x लेस देन 10, नहीं लेस देन 10 नहीं है, तो हमारी क्या वैल्यू इसमें आ रही है, इसमें नॉट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा, हमारा इसमें ट्रू आएगा। तो इस तरह हम लॉजिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे जैसे कि जैसे x इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास कोई लिस्ट है a कोमा b, ऐसे ही हमारा b इज इक्वल टू हमारे कोई है लिस्ट a कोमा b। ऐसे हमने c किया, c में हमने जैसे कि a को हमने पास कर दिया, ठीक है, इस तो हम जैसे कि प्रिंट करा रहे हैं a इज c, क्या आएगा हमारा, इसमें ट्रू आएगा। अगर a b c से प्रिंट करा रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, इसमें फॉल्स आएगा। तो इस तरह हम कैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, जैसे इज नॉट का यूज करना तो हम क्या करेंगे, b इज नॉट c,
तो हमारा क्या आएगा इसमें ट्रू होगा, मतलब उसकी इसको इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या हमें क्या देना चाहिए, मतलब फॉल्स नहीं देना चाहिए, मतलब नॉट यूज करने से हमारे इसमें ट्रू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है, जैसे कि ए इज नॉट सी नहीं है, इसी में ए का ऑब्जेक्ट पास है, तो इसमें क्या आएगा आंसर, इसमें ट्रू हो रहा है, बट इसमें इज नॉट का यूज करें तो हमें क्या आएगा आंसर इसका, ट्रू फॉल्स आएगा, तो हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हो गए। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे जैसे कोई स्ट्रिंग जैसे हम इसमें देख रहे हैं, जैसे कि ए इन ए, मतलब ए में जैसे कि ए स्ट्रिंग ए में है कि नहीं है, इसमें क्या आएगा हमारा ट्रू होगा। सपोज दैट हम सी को चेक करते हैं, सी है ए में, तो इसमें क्या होगा फॉल्स होगा, मतलब सी इसमें इसकी लिस्ट में नहीं है, इसलिए में फॉल्स आ रही है। और सपोज दैट नॉट ए करेंगे तो क्या होगा, नॉट इन ए, सी ए में नहीं है, मतलब नहीं ए लिस्ट में, तो इसमें क्या करेगा ये हमारा ये ट्रू वैल्यू देगा। तो हमारे क्या होगा ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स हो गए। ऐसे हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गए, जैसे ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 12 हो गए, तो हमारा प्रिंट क्या करेगा बिटवाइज इसका ए और बी हो गया, तो हमारा 14 हो गया। जैसे कि ए एंड बी करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में, तो क्या होगा हमारा ये 8 हो जाएगा, तो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर इसको हम यूज करते हैं। जैसे कि हमें सपोज दैट हमें ए की वैल्यू को क्या करना है, 1 शिफ्ट करना है, राइट, ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, राइट, हमने 1 बिट इसमें शिफ्ट कर दी, तो हमारे इसमें क्या आएगा 5 आएगा। और सपोज दैट हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो हमारा क्या आएगा इसमें 20 होगा। तो इस तरह हम शिफ्ट ऑपरेटर का कैसे यूज करते हैं, ठीक है, हमारा ये शिफ्ट ऑपरेटर्स हो गए। और जैसे कि हमें इसका एक्सोर निकालना है, तो कैसे करेंगे, ए नॉट 1, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा इसका ए का नॉट क्या होगा हमारा इसका टिल्ड ऑपरेटर, ये हमारा -11 हो गया। तो इस तरह हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हमने जाना जैसे कि हमारा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर हमें यूज करते हैं, जैसे किसी भी दो वेरिएबल या दो हमारे वैल्यूज होती हैं उसके बीच में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, हमें ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। और अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो हमारे ये ऑपरेटर्स हो गए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड गेट नोटिफिकेशन।